तो आज बच्चों के टिफिन के लिए मूंग की दाल से एक रेसिपी बनाएंगे जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी और ठंडी होने के बाद में भी बच्चे इसे आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप मूंग की दाल को 3 से 4 बार अच्छे से धो करके और गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो इसे और नाइट भी भिगो कर रख सकते हैं और इसका पानी अलग कर देंगे और इसे मिक्सी के जार में डाल लेंगे। और अब इसमें 5 से 6 कलियाँ लहसुन की डालेंगे और अदरक डालेंगे और धनिया डालेंगे, 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, हींग डालेंगे और इस दाल को पीस करके तैयार कर लेंगे। दाल पीस कर तैयार है, अब इसे बाउल में डालेंगे। 2 चम्मच बेसन डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार होगी। अब जार को धो करके इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। चलिए बैटर हमारा तैयार हो गया है, अब तवा गरम कर लेंगे। इस पे थोड़ा तेल डालेंगे तवे पे और टिश्यू पेपर से अच्छे से फैला देंगे पूरे तवे पे। अब इस पे थोड़ा पानी डालेंगे, इसे भी अच्छे से साफ़ कर देंगे। चलिए तवा हमारा तैयार हो गया है, अब दाल का बैटर डालेंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। तो आप इन्हें चीले या डोसे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल डोसे जैसे लगेंगे और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। अब इस पे थोड़ा तेल डाल देंगे। अब आप चाहें तो इसमें पनीर और प्याज की स्टफिंग भी भर सकते हैं और आप चाहो तो जो आलू का मसाला होता है वो भी भर सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने यहाँ पे सेजवान चटनी लगाई है क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं है तो मैंने सिंपल ही बनाए हैं। और मैंने इसके साथ में हरी धनिया की चटनी बनाई है जिससे कि बहुत ही टेस्टी लग रहे थे और देखिए बिल्कुल डोसे जैसे लग रहे हैं। और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। थोड़ा ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से फैला देंगे। अब इसमें सेजवान चटनी डालेंगे। चलिए हमारे मूंग दाल के डोसे या चीले बनकर तैयार हैं। चलिए बच्चों का टिफिन पैक कर देते हैं। तो मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आए थे और देखिए ठंडे होने के बाद में भी बहुत सॉफ्ट हैं ये, तो बच्चे इसे स्कूल में आराम से खा सकते हैं। और ये धनिया टमाटर की चटनी बनाई है तो इसके साथ में ये चीले बहुत ही टेस्टी लगे थे। अब टिफिन पैक कर देंगे। चलिए बच्चों का टिफिन पैक हो गया है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बच्चों के जाने के बाद में हमने हमारा भी ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार कर लिया है, तो आप भी बनाएं और खाएं और स्वस्थ रहें।